गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है। लेटर लिखा गया है चेयरमैन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए और एमडी सीईओ जो भी नेशनलाइज बैंक के हैं उनके लिए, जिसमें मेनली जो स्टाफ वेलफेयर फंड होता है पब्लिक सेक्टर बैंक में उसके लिए लेटर लिखा हुआ है। उसको रिवाइज किया गया उसकी सीलिंग को, तो यहाँ पे आप बाकी देख सकते हो। ये यहाँ पे तो लिखा हुआ है द मैटर ऑफ रिवाइजिंग नॉर्म्स फॉर द स्टाफ वेलफेयर फंड इन द पब्लिक सेक्टर बैंक हैज़ बीन एग्जामिन इन द डिपार्टमेंट इन लाइट ऑफ द चेंज इन बिजनेस मिक्स एंड एम्प्लॉय स्ट्रेंथ इन PSB। इट हैज़ बीन अकॉर्डिंग डिसाइड टू रेज द मैक्सिमम सीलिंग फॉर द स्टाफ वेलफेयर फंड एज अंडर सब्जेक्ट टू कैप ऑफ 3% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो जो हमारा मैक्सिमम सीलिंग है स्टाफ वेलफेयर फंड की, उसको इंक्रीज़ की गई है पहले के कंपेयर में, क्योंकि जो बिजनेस है वो भी 2-3 साल में बैंकों का एक अलग क्राइटेरिया को क्रॉस किया है। अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे कैटेगरी में, तो वहाँ पे तो अलग ही है, 250 करोड़ है उसका मैक्स सीलिंग अलाउंस के लिए। तो आपने देखा भी होगा कि SBI के अलाउंस सबसे बेटर होते हैं। और अगर PSB की बात करें तो जिन PSB का बिजनेस 15 लाख करोड़ के ऊपर है, तो उनके लिए भी दो कैटेगरी हैं, जिनकी स्टाफ स्ट्रेंथ 85,000 करोड़ के ऊपर, तो उनको 100 करोड़ वो बैंक एलोकेशन कर सकते हैं फॉर स्टाफ वेलफेयर के लिए अलाउंस के रूप में। और जिनका 85,000 के नीचे है स्टाफ स्ट्रेंथ, वो 90 करोड़। तो बेसिकली अगर 15 लाख करोड़ की में बात करें तो चार बैंक आ जाते हैं, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक। तो इन चार बैंकों में एलोकेशन होगा 100 करोड़ और 90 करोड़ का। और फिर इसकी बात करते हैं PSB विद बिजनेस मिक्स ऑफ ओवर 10 लाख करोड़ टू 15 लाख करोड़। यहाँ पे दो क्राइटेरिया हैं, जिनके स्टाफ स्ट्रेंथ 50,000 के ऊपर है, जिनके स्टाफ स्ट्रेंथ 50,000 के नीचे हैं, तो वहाँ पे भी मैक्स सीलिंग 50 करोड़ है, 60 करोड़ है अगर 50,000 के ऊपर है, और अगर 50,000 के नीचे तो 50 करोड़। तो इनमें इस क्राइटेरिया के अंदर जो बैंक आएंगे वो बैंक होंगे बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक। इनका बिजनेस 10 लाख से 15 लाख करोड़ के बीच में है। और जो बिजनेस जिनका बिजनेस 10 लाख करोड़ के नीचे है और स्टाफ स्ट्रेंथ 30,000 के ऊपर है, वो आए उनके लिए एलोकेशन है स्टाफ के लिए अलाउंस के रूप में 35 करोड़। और जिनकी इसमें तीन कैटेगरी है, जिनका स्टाफ स्ट्रेंथ 15,000 से और ज़्यादा है, 30,000 से कम है, तो 25 करोड़। और जिनका 15,000 के नीचे, उनको 15 करोड़। तो इसमें बाकी सारे बैंक आ जाएंगे जो भी होते हैं, जैसे यूको बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, और इंडियन ओवरसीज़ बैंक हो गया, पंजाब एंड सिंध बैंक हो गए, ये सारे बैंक इसमें आ जाएंगे। तो ये एक कैटेगरी रिवाइज की गई है सीलिंग की। तो इसके बाद आई होप कि अलाउंस जो है सारे पब्लिक सेक्टर बैंक में रिवाइज होंगे, जो पेट्रोल के न्यूज़पेपर के मिलते हैं, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी टाइम से रिवाइज नहीं हुए हैं। तो होप सो कि ये सीलिंग बढ़ने के बाद से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अप्रूवल मिलने के बाद, मे बी जो स्टाफ स्ट्रेंथ और बिजनेस के हिसाब से अलाउंस को भी रिवाइज किया जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरीशन पर्पज एवरेज ऑफ द एवरेज जो लिया जाएगा प्रीवियस 2 ईयर का लिया जाएगा बिजनेस के लिए, जो आपके पिछले 2 साल का जो एवरेज लिया जाएगा उसके हिसाब से ही उनको उस कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। द PSB आर एडवाइज टू स्ट्रिक्टली एडर टू प्रिस्क्राइब सीलिंग फॉर द स्टाफ वेलफेयर फंड एलोकेशन एंड सो इंश्योर डैट एक्सपेंडिचर इज नॉट, मतलब यही लिखा हुआ है कि ये इस नियम के हिसाब से ही अलाउंस डिसाइड किया जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पे यूनियन का भी लेटर देख सकते हो, AIBA ने भी अपनी तरफ से लेटर लिखा है कि जो एलोकेशन किया गया है स्टाफ वेलफेयर स्कीम में, तो वी हैव बीन परसुइंग विद द गवर्नमेंट फॉर रिव्यू एंड एनहांसमेंट इन द सीलिंग ऑफ एलोकेशन ऑफ अमाउंट फॉर स्टाफ वेलफेयर स्कीम इन पब्लिक सेक्टर बैंक, गवर्नमेंट हैज शेयर कम्युनिकेशन डेटा ऑन। तो इन्होंने बेसिकली ये बताया है कि वही गवर्नमेंट ने किया है। तो ठीक है, जो अलाउंस रिवाइज किए गए हैं सीलिंग के, आई होप कि बैंक भी जल्दी से जल्दी अलाउंस को भी रिवाइज करेगी उसकी सीलिंग के हिसाब से, क्योंकि बिजनेस बैंकों का बढ़ा है, उसके क्राइटेरिया के हिसाब से, अलग क्राइटेरिया के हिसाब से उनकी बिजनेस बढ़ा है, इसके कारण सीलिंग भी बढ़ गई है। थैंक यू दोस्तों।